अंदर कोई भी दुकान बंद है ना सारी, इसीलिए पानी लिया है हम, प्यास लगेगी तो पहले ही। सो गाइज नाउ वी आर एंटर्ड इन जयगढ़ फोर्ट और अब आपको दिखाएंगे जयवंत। तो भी हमने यहाँ से एंटर करा है और आप देख सकते हैं पीछे कैसा व्यू है, तो व्यू बहुत अच्छा है। अभी बात पता है आपको कोरोना वायरस चल रहा है, इस वजह से लोग बहुत कम आ रहे हैं। गाइज आपको जो ये वाला एरिया दिखाई दे रहा होगा, इस वाले एरिए में पूरा पहले के टाइम में पानी भर जाता था, जो भी पानी इकट्ठा होता था बारिश का। अभी गर्मी इतनी ज्यादा है तो इसलिए हम पूरा चल कर नहीं आए, तो सीधा हम गाड़ी ऊपर लेकर आ गए, अदरवाइज आप पैदल पैदल भी जा सकते हैं ऊपर तक। और चीकू पूरे मजे लेते हुए है एसी के, और चीकू को मैंने बोला था कि मेरे साथ बाहर चलो, लेकिन चीकू ने साफ साफ इनकार कर दिया, बोला कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ऐसा क्या कर दिया मैंने बेटे, हर वक्त में तुम्हारा साथ दिया मैंने और तुमने आज व्लॉग बनाने से मना कर दिया। इतनी धूप में व्लॉग बनाने की बिल्कुल भी वो नहीं है, बस मैं तुम्हारे साथ आ गई, बहुत बड़ी बात है। देखो जिंदगी में कुछ करना है तो आगे बढ़ना ही होगा। और ये देखो जयपुर की रानी पहले के जमाने में इतने मजे करती थी जयगढ़ के फोर्ट के अंदर, और आज ये छतरी लेके घूम रही है। लेकिन आज भी इसके पास एक दास है जो कि मैं हूँ, मेरा नाम शक्ति सिंह भी रहा है। तो देख लो गाइस आपको यहाँ से पूरा व्यू दिखाई दे रहा होगा, नीचे देखो कितना जंगल है, वो पहाड़ों के बिल्कुल बीचों बीच जो पानी भरा हुआ है वहाँ पे है जल महल। सोना दो शब्द कहना चाहोगे आप? दो नहीं सिर्फ एक बोलूंगी। तो बोलो एक शब्द ही बोल दो। ब्लॉग में बने रहो हमारे साथ। ये देखो एक चीज बताती हूँ मैं तुम्हें, धूप हो रही है, ये जो फोर्ट की छाया है ना वो सारी पड़ी हुई है, जहाँ यहाँ तक छाया हो गई बाकी धूप हो रही है। अगर आप फोर्ट का बैक एरिया है और वो झंडा देख रहे हो आप, ये अपन सोचते हैं कि इंडियन झंडा है अपना जो तिरंगा है वो है, पर ये वो नहीं है, ये उस टाइम के जो राजा ने लगाया था, इस झंडे का नाम है पचरंगी झंडा। अभी आपको हम अंदर लेके चल रहे हैं, इसमें है जयवान तोप जो पूरे विश्व की सबसे बड़ी तोप है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जो एशिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी तोप है हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर, इंडियन हिस्ट्री के अंदर, तो यही तोप है जिसका नाम है जयवंत तोप, जो कि जयगढ़ के किले के अंदर है। और ये तोप आज से 200-300 साल पहले चलाई गई थी और इसकी रेंज थी 33 किलोमीटर। सिर्फ एक ही बार ये चलाई गई थी टेस्टिंग के लिए, और जहाँ पे ये गिरी थी 33 किलोमीटर दूर जाके, और एक पूरे तालाब जितना एरिया होल कर दिया था। तो आप देख सकते कितनी हैवी तोप है ये। क्या आप अपने दर्शकों से पूछना चाहेंगी कि उनको ये तोप कैसी लगी? हाँ जी, तो दोस्तों अगर आपको ये तोप अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट में हमें जरूर बताएं। और हाँ, जाने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, उसका कोई पैसा नहीं लगता, फ्री है, हमें अच्छा लगता है। और हमारी सारी ऑडियंस को मेरी तरफ से लव यू ऑल। चल नौटंकी इधर आ जा, छाया हो रही है तभी भी देखो छाता लेके घूम, देख 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 देख। ये कबूतर बेवकूफ नहीं है, इधर इधर दिमाग है, बेवकूफ नहीं है तेरे इधर। मैं आपको ये गाना सुनाना चाहूंगी अपनी ऑडियंस को, कोई अच्छा सा गाना तो सुनाओ। ऑफ कोर्स सुनाओ। लोगों का काम है कहना, लोग कुछ तो कहेंगे, मगर मगर तूने आग जो लगाई तो हंगामा हो गया। हंगामा हो गया। हंस तो दे। ये क्या है? और ये हम चले नीचे, और ये देखो ये कौन है, ये आर्यन सिनेमैटिक शॉट्स लेते हुए अपने फोन से। मेरी जिंदगी सवारी मुझको खीरे खिला के बैठी थी मैं अभी तक, खीरों की आस लगा के संजू तेरे जैसा कहा, खीर खिलाएगा जहां। वाह वाह क्या आपने गाना गाया, आपके लिए एक तालियां हो जाए। ये छोटा सा मंदिर है यहाँ पे पूजा आस्था करने के लिए। अभी गर्मी इतनी हो रही है ना, हम ऊपर नहीं गए। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैनन ऑन द व्हील। तो गाइज मैं आपको एक प्रोडक्ट का रिव्यू करना चाहती हूँ अभी। आप ये वाला प्रोडक्ट आपको माथे पे लगाओ और इस पे तेरा दिमाग कभी हटा। मुझे लगा कोई बहुत इम्पोर्टेंट बात बता रही होगी, हट हटा दे यार। यार एक सेकंड, लड़कियां इस पे अपने कोई भी बैंगल, अपना कोई भी नोज पिन या फिर कोई भी इयररिंग्स टांग सकती हैं, ठीक है? तो अपने हस्बैंड का यूज करें, उनके माथे पे लगाएं, टिक, और यहाँ पे कोई भी बैंगल टांग सकती है, बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट।
यार ये इसने क्या किया मेरे साथ, सीरियसली मुझे पता नहीं था कि ये कुछ करने वाली है। मुझे लगा यार तेरी गाड़ी रोक कुछ वीडियो बनानी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगी। गाइस पीछे आपको यहाँ पे ये जो एरिया दिखाई दे रहा है ये पूरा पानी का टैंक वाला एरिया है। यहाँ पे पहले के टाइम में राजा महाराजा क्या करते थे कि जो बारिश का पानी होता था उसको काफी लंबे टाइम तक स्टोर करके रखते थे, 3 साल 4 साल काफी टाइम काम आता था। तो इसके अंदर से पानी स्टोर किया जाता था। एक बार पूरा दिखा देना, रेगिस्तान का जहाज किसे बोलते हैं? देख लो ये सामने ऊंट किस तरीके से जुगाली कर रहा है। ऊंट ऊंट को क्या देखना, तेरे को देख लो और ऊंट को देख ले की बात है। मेरी बेइज्जती कर रहा है। तो जिन लोगों ने ऊंट नहीं देखा भाई ऊंट देख लो, देखा तो बहुत लोगों ने होगा, लेकिन रियलिटी में व्लॉग्स के अब ये तो बताए ऊंट है ऊंट नहीं है, चेक करके बताना पड़ेगा। नहीं भाई ऊंट है। तो गाइस लॉकडाउन के चलते काफी सारी चीजें बंद है। शस्त्रागार जो मेरे को आपको दिखाना था जिसके अंदर राजा महाराजाओं के पुराने अस्त्र शस्त्र रखे हुए थे वो सब बंद है, लेकिन मैं बाद में आपको जरूर दिखाऊंगा। अभी हम आपको सिर्फ महल है जो कि जयगढ़ का महल है उसका टूर करवाएंगे पूरा। तो ये भी तोप ही है ना, वो 33 किलोमीटर जा सकती थी तो ये भी 10-12 किलोमीटर तो जा ही सकती होगी। वो लोहे की है पूरी और ये वाली लकड़ी की है। अगर एक तोप में बिठा के मित्र को उड़ा दो तो उड़ जाऊंगा 10-12 किलोमीटर आगे चला जाऊंगा। 10-12 नहीं, सीधा जगतपुरा पहुंचेगा तू। गाइस दिस इज माय चीकू। भाइयों चीकू मेरा बहुत फेवरेट है, लेकिन इसका एक नाम नहीं है चीकू। देखो मैं आपके इसको नाम गिनवाऊंगा ना तो आप हैरान हो जाओगे। चीकू, गुलगुली, टफी, पिल्ला और क्या है तेरा नाम? मगरमच्छ। मगरमच्छ रिसेंटली इन्वेंटेड नाम है मेरा, मगरमच्छ। लेकिन इसका गुलगुली बहुत ज्यादा फेवरेट नाम है, वो मैंने इसको रखा है। गुलगुली क्यों है ये बता, काल की चीज दिखा इसके। गुलगुली इसलिए है क्योंकि देखो इसको कहीं से भी आप प्रेस करोगे ना तो ये अंदर तक चली जाएगी। ऐसे नहीं ऐसे देख, ये देखो। हाँ ये पुराने जमाने में ये क्या बोलते, अगर तोप बनाने का काम थे तो बना सकती थी तोप? ये बिल्कुल बना सकती थी, आदमियों को सैनिकों को बिठा के उड़ाती थी। मेरे जैसे सैनिकों को अपने साथ रखती थी, उनको बिठा के सिर्फ तोप पे टेस्ट के लिए यूज करती थी मेरे जैसे सैनिकों के। बार तो सुना हुआ महल के अंदर ही नहीं जा सकते, महल का पूरा बार बार का शूट करना पड़ेगा। इसीलिए मैं कह रही थी तुम बाद में आते ना तो अच्छे से दिखाते के हिसाब से भी देख सकते हो। तो अभी के हिसाब से आपको पूरा बहुत अच्छा व्यू देखने को मिलेगा। मेरे गांव में भी इस तरह से लॉक लगता था ना पहले, तो बेटे ऐसे ही लगते थे बच्चे। ये वाला लॉक भी है मेरे गांव के गेट में। पता कपन कहाँ चलेंगे आपकी बार, देखो वहाँ पे गई हुई है ना, देखो कहा? मैं आपको दिखा दूँ, देखो आपको सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हूँ ऐसे 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 करके। वहाँ पे टॉप पे अगर हम जाते हैं ना तो इतना मस्त व्यू आता है ना वहाँ से, सनसेट के टाइम पे बहुत हाँ, प्यारा बहुत प्यारा व्यू आता है और बहुत मस्त जगह है वहाँ पे। ये वाला महल दिखाई दे रहा है ना पूरा, ये है आमेर का महल और ये शीश महल है जो आपको मैं उंगली कर रहा हूँ ना यहाँ। वी कांट इवन इमेजिन कि मतलब आज के टाइम में इस तरह की बनावट कितनी सही लगती है ना पुरानी। देखो इसके ऊपर चढ़ के ना सैनिक है ना पूरी सुरक्षा करते थे, पूरा उनको दिखता था ऊपर से व्यू की भाई कोई दुश्मन आ रहा है नहीं आ रहा। बता दूं जयगढ़ के किले में आज तक कोई आक्रमण नहीं हुआ क्योंकि इसकी जो बनावट है ना जिस तरह से बनाई है वो इतनी दिमाग से बनाई है कि कभी इस पे आक्रमण नहीं हुआ। गाइस अगर किसी जवान को अगर सुसू आता था उस टाइम में जो कोई सैनिक वगैरह होता था तो देखो यहाँ पे देखो ये। सो गाइस ये वॉशरूम है, इसके अंदर आप खड़े होकर सुसू भी कर सकते थे अगर आपको बहुत तेज आई है तो। इधर से आपको पूरा आमेर शहर दिखाई देता होगा। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है ये आमेर फोर्ट है, इसके अंदर हमने आपको जाके दिखा दिया। अभी फोर्ट बंद है यार इसलिए हम है ना आपको पूरा कैप्चर करके नहीं दिखा सकते क्योंकि लॉकडाउन के चलते अभी बंद कर रखा है इन्होंने, खोला नहीं है। बहुत सारी चीजें होती है यहाँ पे, कठपुतली डांस होता है, बहुत मस्त मस्त चीजें होती है यहाँ पे है ना। सैनिक मुर्गे तलते थे पता है, मुर्गे और बकरे। देखो ये भट्टी है, प्लीज डू नॉट ट्रस्ट, ये कुछ भी बोलता है। अरे नहीं वो मुर्गे की भट्टी है उसमें मुर्गे। पिछले जन्म में तू मुर्गा था ना? नहीं मैं मुर्गा नहीं था, वहाँ पे मुर्गे और बकरे सेक के है ना सैनिक खाया करते थे। तो या तो सैनिक था या फिर मुर्गा था बता कौन। मैं सैनिक था, मेरे को प्रोटीन चाहिए होता था इसलिए मैं इस भट्टी के अंदर मुर्गे सेक के खाया करता था। तो सारे वेजिटेरियन थे तो राजपूत थे ना। मैं नॉन वेजिटेरियन था ना सिर्फ। एक बार खुद को तो दिखा दे। हे इज राजा नाउ द सेटिंग फॉर मी। जिसको चीकू को खींच के ले जाते हुए चीकू जा ही नहीं रहा गर्मी की वजह से। तो पहले तोपों का निर्माण किया जाता था, आर्मोरी है एक तरीके से। महल तो पूरा बंद है, बस यही है ना लास्ट। चीकू ठंडी हवा का लुत्फ लेते हुए चीकू मैं इसको मारना चाहूंगी। यस लिफ्ट मिलेगी प्लीज? मैडम 500 रुपए लगेंगे आपको छोड़ने के। ठीक है बेटे, बाय बोल दो बेटे। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं आपको बच्चे की तरह क्यों ट्रीट करता हूँ, बताओ आपका एड्रेस कहाँ है? एड्रेस करो, ऐसे करो ना राइट लेफ्ट, ये सोनम का एड्रेस है। बीवी नहीं है मैं, मेरे को छोटा बच्चा लगता है ना मेरे बच्चे, इसलिए मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ। तो गाइज ये है महादेव जी का मंदिर और यहाँ पे मैं करीबन
तीन साल पहले आया था और यहाँ पे रेस्ट करने के लिए ये यहाँ पे बनाया हुआ है। जय भोले जय मगन महादेव मंदिर जयगढ़ रोड। अब मत्था टेक के जाने वाला हूँ। भगवान में मेरी बहुत आस्था है और भगवान ही हमारे सब कुछ होते हैं। चाहे आप अल्लाह को मानते हो, चाहे आप सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू, भगवान सबका ही एक होता है, उसके रूप अलग अलग है। तो एक बात बताइए, छोटी तोप क्यों चलाया करते हो? बड़ी तोप मिलती है? मैं कुछ भी चलाऊं, छोटी चलाऊं, बड़ी चलाऊं, तुझे क्या मतलब? हमने सोचा था कि यार अंदर जाके कुछ इंटरेस्टिंग मिलेगा, लेकिन सारा महल बंद है, सब कुछ बंद है, इसलिए हम बाहर बाहर से आपको दिखा पाए। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और हमारा साइन ऑफ क्या है? लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे, जल्दी जाओ, बाय बाय।